আলু উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ ভারতের মধ্যে প্রথম স্থানে আছে আর দ্বিতীয় স্থানে আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। বাংলার প্রায় দ্বিগুণ আলু উৎপন্ন হয় উত্তরপ্রদেশে। গত বছর বাংলায় কম আলু উৎপাদন হলেও উত্তরপ্রদেশে অতিরিক্ত আলু উৎপাদনের ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয় বাংলার আলু চাষি ও ব্যবসায়ীরা। তাই এবছর নিয়মিত উত্তরপ্রদেশের আলুর খবর তুলে ধরছি আমরা, যাতে আপনারা সতর্ক থাকেন আর এড়িয়ে যেতে পারেন ক্ষতির সম্ভাবনা। আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি আজ ছিল উত্তরপ্রদেশের ফারুকাবাদের গুরুত্বপূর্ণ সাতনপুর মান্ডিতে। নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজ, আর আজ আমরা আপনাদের দেখাবো উত্তরপ্রদেশের ফারুকাবাদের আলুর গ্রাউন্ড রিপোর্ট। ফারুকাবাদের আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের থেকে জেনে নেব আজকের আলুর দাম, আলুর ফলন ও আলু সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এই ভিডিওর শেষে সমস্ত চাষী ও ব্যবসায়ীদের বক্তব্যের সারাংশটি সম্পূর্ণ বাংলায় বুঝিয়ে দেব। নিয়মিত উত্তরপ্রদেশের আলুর খবরের জন্য ইন্ডিয়া পটেটো হিন্দি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করুন। আর সকাল থেকে সন্ধে সারা ভারতের আলুর দাম জানার জন্য এখনই প্লে স্টোর থেকে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ ডাউনলোড করুন। ভিডিওটি শেয়ার করে সমস্ত আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দিন। নমস্কার ভাই সাহেব। নমস্কার। ক্যা নাম হ্যায় আপকা? বিনোদ কুমার। অর আপ কিস জায়গায় থে? গ্রাম রন খুদা সে। সরায়গঞ্জ কে পাস আইয়ে? হ্যাঁ, সরায় কে পাস মে আইয়ে। থানা মেরাপুর পড়তা হ্যায়। কোন জেলা মে? ফারুকাবাদ মে আইয়ে। ফারুকাবাদ মে। ये जो आपका क्या रेट आपने आज आलू भेजा है? ये बेचा है 381 रुपये। 381 रुपये। तो आपके इसमें एक बीघा में कितनी लागत लग गई थी? एक बीघा में कम से कम 8000 रुपये। 8000 रुपये। और लागत लगाई है उस हिसाब से रुपये मिल पाई या नहीं मिल? कुछ नहीं मिला। ये एक बीघा में कितने कट्टे निकला? एक बीघा में बोई निकले 40 पैकेट। 40 पैकेट भी है सर। और एक पैकेट लगभग कितने रुपए हुआ जाके होगा? अब आप ही देख लो, ये 81 रुपए। हाँ। और स्टोर आपकी तरफ खुल गए? हाँ खुले हैं, अब नंबर लगा है स्टोर खुलने का। स्टोर में आलू जाने लगा? कुछ जा रहा है, कुछ मंडी में आ रहा है, कुछ डंपिंग कर रहे हैं लोग। डंपिंग कर रहे हैं। स्टोर में कितने परसेंट आलू स्टोर भर जाएंगे इस साल या नहीं भर पाएंगे? इस समय किसान ज़्यादा डालेगा, व्यापारी कम खरीद के डाल रहे हैं। तो उस हिसाब से किसान ज़्यादा डाल रहे हैं तो कोई उम्मीद नहीं स्टोर में भी मिले या नहीं मिले? कोई फ़ायदा नहीं है। और आपकी तरफ कितने परसेंट खुदाई हो गई होगी? अभी 40%। 40% खुदाई हो गई। हाँ। और पिछले साल से आलू कैसा निकल रहा है? आलू तो बढ़िया निकल रहा है, इतना ही मद्दा घुसा है। नहीं, कितने कितने परसेंट? 10 से 5% ज़्यादा है? 5% ज़्यादा निकल रहा है। और क्षेत्रफल में भी पिछले साल से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। कितने परसेंट ज़्यादा होगा? लगभग 10%। आपका क्या नाम है भाई? आदेश कुमार। आप किस गांव से आए? राजपुर। डाड़ेपुर। डाड़ेपुर। ये किधर है? अमृतपुर। अमृतपुर साइड। और आपका क्या रेट आलू बेचा है? मेरा 471। 471 रुपये कौन? आपके तरफ स्टोर खुल गए? हाँ। तो जो आपने आलू लगाया है उस हिसाब से आपको कितनी लागत लग गई होगी? लागत बस 6-7-8 हज़ार लागत। 7-8 हज़ार रुपये। और उस हिसाब से जो रुपये मिलने चाहिए वो मिल पा रहे या नहीं? नहीं। और पिछले साल से इस साल ज़्यादा निकल रहा कुछ? नहीं, कम। कम है? तो आलू महंगा होना चाहिए आगे जाके? आलू महंगा होना चाहिए, होता नहीं तो। और आपने इस साल कितना आलू किया? 10-12 बीघा। 10 से 12 बीघा। पिछले साल कितना किया था? पिछले साल कम था थोड़ा। पिछले साल कम था। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। ये आलू आपको कौन सा आलू है? न्यू हॉलैंड। न्यू हॉलैंड आलू। हाँ। और क्या रेट बिका है? 671 रुपया। और आपने ये न्यू हॉलैंड आलू कितना किया था? आलू है तो 7-8 बीघा। 7-8 बीघा। पूरी खुदाई कर दी या फिर? हमने पूरी खुदाई कर दी। और कैसी पैदावार है आलू की? पैदावार ये 60 पैकेट निकलो। 55-60 पैकेट। हाँ।
पैदावार बढ़िया है, स्टोर में नहीं रखोगे? स्टोर में पैकेट सवा 200 पैकेट स्टोर में रखोगे? हाँ। तो जो स्टोर रखे जा रहे हैं उस हिसाब से आगे कुछ उम्मीद है स्टोर में रखने की? उम्मीद है कजूना अब कातकर का उम्मीद लगा हुआ है, अब उम्मीद कजूना है। आप किस क्षेत्र के हो? हम पैमगंज साठ गए हैं। पैमगंज में किस गाँव के हो? जिराऊ। कौन सा गाँव? जिराऊ। जिराऊ जिराऊ हाँ। और इसके अलावा आपने और कोई भी आलू किया है? और ना करो कोई भरे जा देंगे, फुल हो जाएंगे टोटल? हाँ फुल टोटल। और इस न्यू हॉलैंड आलू में आपको कितनी लागत लग जाती है? आपकी लागत तो कोई लग गया 4-5 हज़ार रुपये की लागत लग जाती। कितने? 4-5 हज़ार रुपये की लागत लग जाती। 5-6 हज़ार जब अपना बीज हो उसके बाद तब? हाँ 15 हज़ार रुपये बीघे की लागत आती है। किसान को नहीं मालूम ये आरती है, आरती है ये भैया। आपकी आपका क्या नाम है? रामोतार शाक। और आपकी क्या नाम है ट्रेडर्स का? हमारे पुरुषोत्तम दास रामोतार फर्म पड़ती है। पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम दास रामोतार। जो आप देख रहे हैं सामने वाली इनकी ट्रेडर्स है। और ये और आपके यहाँ कौन कौन क्षेत्र से आलू आता है? पूरे फर्रुखाबाद जिले से कई गाँव से आलू आता है। पूरे फर्रुखाबाद जिले कई गाँव से। और ये वाला आलू क्या रेट बिका है? ये आलू हुआ 671 रुपये कुंटल। और आज मंडी में अरेवल कितनी होगी? मंडी में लगभग 150 मोटर है अरेवल। 150 मोटर। आज का भाव क्या रहा है? भाव नीचे में 250 रुपये लेके ऊपर में तो ये आपको बता दिया हमने। 250 रुपये से लेके 671 रुपये। 671 रुपये से। और आपके यहाँ क्या क्या रेट बिके हैं आलू के? हमारे यहाँ बिका 551, 521, 531। 551 कौन सा आलू? तुल के चला गया जो पड़ा हुआ 551 वाला। 551 वाला कौन सा आलू है? ये जो है ख्याति। जो स्टोर में आपके तरफ जो स्टोर खुल गई है इस साल, स्टोर की कैसी उम्मीद है? अभी कुछ नहीं कहा सकता, अभी कुछ नहीं कहा सकता, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो आलू तो खेतों के अंदर बड़ा हुआ है, खुदाई चालू नहीं हुई है। खुदाई चालू अगले हफ्ते से शुरू हो गई, मतलब शुरुआत तो हुई है लेकिन पीक पॉइंट जो है 20 तारीख से शुरुआत होगी। जब शुरुआत हो गई उसके बाद पता चलेगा पैदावार कैसी निकल रही क्या है। नहीं अभी अभी तक जो रूमर है उसके हिसाब से तो बहुत मद्दा जाएगा। प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, फसल में कोई रोग नहीं है, अच्छी पैदावार है। जो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कोल्ड स्टोर बनने के बाद आलू बचे। फर्रुखाबाद जिले के लगभग सभी स्टोर सारे फर्रुखाबाद के नहीं पूरे यूपी के कोल्ड स्टोर के आलू भरेंगे। কম দাম ও সঠিক গুণমান নেতাজি লেনো ব্যাগ, আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের ভরসা নেতাজি গোল্ড লেনো ব্যাগ। আমি নেতাজি ব্যাগ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করছি, আকারে বড়, বিশেষ করে 52 কিলো পর্যন্ত আলু ধরে এবং সুতো টেকসই, মজবুত ও টেকসই নেতাজি লেনো ব্যাগ। ব্যবসায়িক অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন এসকে বিজনেস 4967419301 অথবা 8617227185। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप आरती हुए व्यापारी? आरती। आपकी ट्रेडर्स का क्या नाम है? हमारा मोहम्मद अयूब मोहम्मद मुबीन। और ये जो आलू सामने है ये क्या रेट बिका है? ये बिका 571 रुपए। 571 रुपए। हाँ आलू ने बता दो कहाँ तक बिका है, वही बताओ। मंडी में कितनी आपको होगी लगभग? आमदनी हुई तकरीबन 150 मोटर की। 150 मोटर लगभग। हाँ और आज क्या रेट रही है लगभग? आज जो है 600 तक बिका, 625 तक। 625। कल से कुछ मंडी भैया है? आज टाइट है थोड़ी मंडी। मंडी टाइट है? जी। और किस किस तरफ का माल आता है? चारों तरफ का आता माल। कौन कौन सी जगह का आता है? मतलब पूरे आस पास फर्रुखाबाद के जिले के आस पास जितने गांव सब का ही आता है। तो दुकान के आलू। ये कौन सा आलू है? पुखराज। ये पुखराज। कौन सी जगह का है आलू? जी आलू है सितौली का। सितौली? हाँ। बोल किस क्षेत्र में पड़ता है ये सितौली? ये पड़ता है कमालगंज एरिया में। कमालगंज एरिया। आपका इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान कौन है? इनका नाम किसान जी क्या है? किधर गए? ज्ञान है इधर खड़े हो सामने खड़े हो स्पीकर पकड़ाओ। और भाई साहब आपकी तरफ पैदावार आलू कैसी है? आलू पैदावार ठीक है, पिछले साल से तो सही है। इस साल बढ़िया है। और जो स्टोर में कैसा जा रहा है आपकी तरफ का आलू? सही जा तो अभी खाल अभी खाल टूट रही है, हल्का जा रहा है, थोड़ा हल्का जा रहा है। और जो स्टोर में किसान रख रहे हैं पहले मंडी ज्यादा डाउन थी फिर भी रेट
571 रुपए। फिर भी रेट अब सही आ गए, चोरना तो साहब के रेट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? बहुत मुश्किल दिखा दे। नमस्कार भाई। और क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। आपका 631 रुपए। 631 रुपए। कौन सा आलू है? 3797। और किस क्षेत्र से आप भाई? सैजानपुर से। आप कितना आलू करते हो? आलू बस करते हैं 40 बीघा आलू होता है। 40 बीघा आलू। कौन कौन सा आलू करते हो? 3797 चिप्सोना यही करते हैं। 3797 चिप्सोना। कितने आलू खुदाई करती है आपने? हैं? कितने आलू खुदाई करती है? खुदाई कर दी है 400 कट्टे की। 400 कट्टे की। 400 कट्टे। और स्टोर में कितना आलू रखते हो? स्टोर में रखते हैं आखिरी में रखते हैं, अभी नहीं रखते। नहीं, कितना आलू रखते हो? ऐसे रखते हैं बस 200-250 कट्टे। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम संत कुमार। संत कुमार, आप ट्रेडर्स हो? नहीं नहीं, मैं काश्तकार हूँ जी। और आप किस क्षेत्र से आए हो? ये हमारा क्षेत्र है फरुखाबाद का, लास्ट थाना मीरापुर। कौन सा? नंगला जोत बिछौली जी। ये गुजरी बात है। हाँ हाँ। आपने इस साल कितना आलू किया है? मेरे पास इस साल 2000 कट्टा है लगभग। नहीं, कितने बीघा किया? करीब 40 बीघा। 40 बीघा जी। और कितने आलू खुदाई कर दी आपने? आलू अभी एक भी दाना नहीं हुआ, एक भी नहीं खुदाई किया अभी। तो अभी आप मंडी लाने के विचार में हैं? मंडी आज देखना है, मंडी लाएंगे जी। और स्टोर में कितना आलू रखते हो? स्टोर में करीब करीब तो 500 पैकेट। 500 पैकेट जी। जो अभी जो रेट चल रही है, अभी मंडी में घूमे थे, लगभग 250 रुपए से लेके 600 रुपए क्विंटल तक है जी जी जी। उस हिसाब से किसानों को लागत लगाई, उस हिसाब से रुपए सीधे हो पा रहे या नहीं हो पा रहे? रुपए ही सीधे हो पा रहे, बचे का सुना। और जिन लोगों के पास 300 रुपए 350 रुपए क्विंटल बिक रहा है, मेरे नुकसान में जा रहे। और एक बीघा में लागत कितनी लग जाती है? एक बीघा में लागत मेरी जो है करीब 13-14 हज़ार की लागत है मेरी 13-14 हज़ार जी। और आप कौन कौन सा आलू करते हो? हालैंड है, न्यू हालैंड जी। और न्यू हालैंड में क्या रेट चल रही है? इसमें आज मंडी 600 रुपए बताई है अब्बल। 600 रुपए। और स्टोर में जो किसान रख रहे हैं, अभी बेचने में फायदा है या स्टोर में रखने से फायदा है? अब साहब अगर स्टोर में अगर अब चांस अच्छे बनते हैं तो फायदा है। अगर रेट जो 400 रुपए तो उसका भाड़ा हो जाएगा, कोल्ड भाड़ा है, पैकेट है 400 रुपए, 1000 रुपए पड़ेगा 600 वाला। अगर 14 से बिकता है तो फायदा है, अगर 1000 बिको 11 से बिको तो कोई फायदा नहीं होगी, नुकसान ही है किसान। हाँ, तो नुकसान है। और आप जो हमारे किसान हैं, जो वीडियो हमारी देख रहे हैं, किसानों को कुछ राय देना चाहते हैं? अब हमारी तो राय यही, हम अपना खुद बेचेंगे। अब किसान आदमी आगे क्या करेंगे, हम तो अपना बेचेंगे जी। नमस्कार, आप किस जगह से आए हो? तैरागढ़ से। और ये आलू कौन सा, क्या रेट बिका आलू? आलू जो बिको है 360। 360 रुपए क्विंटल। हाँ, आलू कौन सा है? ख्याति है। ख्याति आलू। आलू का फिकत है आलू। जो आपने लागत लगाई है उस हिसाब से आपको रुपए मिल पा रहे या नहीं मिल? अरे 30,000 हो रहे। इसमें कितना नुकसान है आपको? कम से कम 1000 रुपया बिघा को नुकसान है जामे। 1000 रुपए बीघे का नुकसान है आपको? हाँ। आपने इस साल कितना आलू किया है? क्या था? इस साल आपने कितना आलू किया है? आलू है 10 बीघा। 10 बीघा। और कितने आलू खुदाई कर दी? आलू खुद को 2 बीघा लगे। 2 बीघा। और आप स्टोर में कितना आलू किया है? स्टोर में रखे 50-60 पैकेट। 50-60 पैकेट। ये आगे कुछ उम्मीद है रेट मिल पाएंगे स्टोर में? रेट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? अब ताजा रेट कहाँ मिले पाए आलू, तो रेट अब कहाँ मिल पाए? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार बाबू जी। बाबू जी नमस्ते, बताओ। तो बाबू जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम महेश चंद है। आपके फर्म का क्या नाम है? सुनील कुमार। हाँ, तो आप देख सकते हैं अभी हम सुनील कुमार आरती के पास बैठे हैं और इनसे आलू के बारे में पूछेंगे। और सुनील कुमार हमारी फर्म है, हम उसके प्रोपराइटर हैं। जो आलू अभी, आलू की पोजीशन क्या है अभी? आलू आज तो 10-20 रुपये करंट है बाबू जी। कल से 10-20 रुपये। आवक कितनी होगी अराइवल मंडी में? अब अगले सब ऑर्डर तक की होगी।
सौ से लेकर 150 बीच में कुछ भी हो। 100 से लेकर 150 मोटर तक। आज आपने क्या क्या रेट आलू बेचा? हमने आलू 541 और 581 रुपये बेचा टोटल। 541 और 581। कौन सा आलू था ये? टोटल पोखरा था वो। ख्याति आलू। अभी जो हमने चारों तरफ बात की है किसानों से, और आपकी इसमें क्या रहे है आगे, आलू की क्या पोजीशन रह सकती है किसान? तो अगर किसान भाव ये धीरे धीरे लाएगा तो आलू निपट जाएगा, और अगर एकदम आमा जो 200-250-300 पैकेट आम नहीं आ जाएगा, बाजार टूट जाएगा। बाजार टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाने वाला नहीं होगा। नहीं, स्टोर में क्या स्थिति है आपकी? स्टोर में आलू जा रहा है भाऊ, ये स्टोर में जा रहा है, लेकिन हर आदमी डालने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि स्टोर का भी कोई पता नहीं क्या बिकेगा क्या होगा। जा रहा है आलू, जा रहा है आलू जाएगा, मजबूत आदमी डाल रहा आलू। आपके पास किसान आते हैं और पिछले साल से वो पैदावार कैसी है? पैदावार भाऊ जी हमारे यहाँ 50 से लेकर 60 कट्टे तक की है। 60 कट्टा अच्छा आलू निकल रहा है, छोटा काश्तकार है, और 50 कट्टे की बड़ा काट का जो 100 बीघा है, 50 बीघा है, वो निकल रहा है। पिछले साल से कुछ अच्छी पैदावार है या कम है? पैदावार पिछले साल 60-70 हमारे, पिछले साल 100 कट्टा निकले बुखरा जो क्या थी। पिछले साल से कम हो सकती है? कम है भाई, हमारे उधर थोड़ी वैसी ज़मीन है तो उसमें हल्की ज़मीन है, तो हमारे हिसाब से 50 कट्टे की ही आलू निकल रहा हमारे उधर, और जो अच्छी ज़मीन है जिनमें जब भूरे लोग खूब पड़े उनमें 60 कट्टे निकल रहा है। आपका कौन सा क्षेत्र है? यही पड़ता है याकूत लेके सितौली पकड़िया गड़ा खेरा चौसैया कंतला उधर का ही आपकी तरफ आलू उधरी का। तो इस स्थिति में अभी किसान घबराए हुए हैं, किसानों को क्या करना चाहिए? कायदे में किसान को आलू थोड़ा जो कोल्ड डाले वो तो अपना डाले ही डाले, खोद खोद के बकाया अपना कुछ डंप करे, कुछ बेचे, कुछ धीरे धीरे लाए काय भाई, धीरे धीरे लाए। हाँ, और ये मंडी 2-3 दिन से तो कुछ सुधार है मंडी में? हाँ, 2-3 दिन आगे कुछ सुधार हो सकता है आगे के लिए? देखिए आलू अगर बिल्कुल पका आने लगा, मजबूत आने बक्कल का आने लगे, हो सकता है 10-20 रुपये का सुधार हो जाए। और अच्छा दूसरी चीज़ है, मंडी में आलू भाव जी साउथ क्वालिटी बिकते हैं तेज, देखा हर आलू तेज बिकता, नहीं बिकता कहीं पड़ते नहीं है। अभी लोकल की मंडी है वो ज़्यादा डाउन चल रही है जो लोकल में? अभी 2-3-4 दिन पहले जाम लग गया था, वो अभी आम नहीं बिक पा रहे बाहर भाई, वे लाइन बनाए हुए हैं। और बाहर कहाँ जाए आलू, हर जगह तो आलू, बिहार में आलू, बंगाल में आलू, लोकल में आलू। हमारा नाम राम तीरथ, हम जरीनपुर से। आपने इस साल कितना आलू लगाया है? आलू है लमसम 50 बीघे। आज जो आप आलू ले गए आज क्या रेट बिका है आपका? आज आलू 501 रुपये। ये कौन सा आलू है? ख्याति। जो आपने आलू लगाया है इस साल, पिछले साल के अपेक्षा पैदावार कैसी है? पैदावार कम है। कितने परसेंट कम होगी? करीब करीब 10% तो कम माने ले। 10% कम होगी। आपका कौन सा जिला पड़ता है? शाहजहानपुर। शाहजहानपुर जिला। शाहजहानपुर जिला में स्टोर खुल सकते, ये फुल हो सकते या नहीं हो सकते? स्टोर तो फुल हो जाएंगे। দর্শক বন্ধু, সবার প্রথমে আপনাদের জানিয়ে রাখি উত্তরপ্রদেশের ফারুকাবাদ, মেইনপুরি, ছিপরামৌতে ইতিমধ্যেই কিন্তু হিমঘরে আলু লোডিং শুরু হয়ে গেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে হয়তো আগামী 20 বা 25 তারিখ থেকে আগ্রার হিমঘরগুলিতেও চোর কদমে লোডিং শুরু হবে। একদিকে বর্তমান দিনে পশ্চিমবঙ্গে পোখরাজ আলু চাষিরা আলু বিক্রি করে ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, অন্যদিকে একই ছবিটা ইউপিতেও। উত্তরপ্রদেশের চাষিরাও আলু বিক্রি করে ব্যাপক লোকসানে পড়ছেন। লাভ তো দূরের কথা, আলু বিক্রি করে বর্তমান দিনে তাদের চাষের খরচটুকু উঠছে না, এমনটাই বক্তব্য ওনাদের। আগামী দিনগুলোতে যদি আলুর চাহিদা বাড়ে তাহলে দামটা হয়তো বৃদ্ধি হতে পারে। সেই আশায় এবছর অনেক চাষি উত্তরপ্রদেশে আলু স্টক করবেন বা করছেন, সরাসরি মাঠ থেকে বিক্রি করে দিতে তেমন কেউই চাইছেন না। আজ ফারুকাবাদের সাতনপুর মান্ডিতে আনুমানিক 150 মোটর আলুর অ্যারাইভাল হয়েছে। আজ এই সাতনপুর মান্ডিতে খ্যাতি আলু 360 টাকা প্রতি কুইন্টাল হিসেবে বিক্রি হচ্ছে, 531 টাকা প্রতি কুইন্টাল দামে বিক্রি হচ্ছে 37-97 আলু, এবং হল্যান্ড প্রজাতির আলু 671 টাকা প্রতি কুইন্টাল দামে বিক্রি হচ্ছে এই সাতনপুর মান্ডিতে।
পোখরাজ আলু 381 টাকা প্রতি কুইন্টাল হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। দর্শক বন্ধু, আজকের প্রতিবেদনটি আমরা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরবর্তী প্রতিবেদনে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় কিষাণ। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজারদর, আলুর সর্বভারতীয় বাজারদর, আলুর সকালের বাজারদর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।